हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। आज है नया साल का पहला दिन, 1 जनवरी है। हम आए हैं मंदिर, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मंदिर आए हैं, बाहर से दिया लिया और वो ही दिया मैं जला रही हूँ। तो जब तक मैं जला रही हूँ दीपक, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मैं विश करना चाहती हूँ अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सबके घर में ना सुख और शांति की कोई कमी ना हो, हर घर खुशियों से भरा हो, आपका भी और मेरा भी। बस यही कृपा, मैं यही प्रार्थना करूँगी अपनी माता रानी से। यहाँ आई हूँ मंदिर में, देवी का मंदिर है ये। मैं उनसे यही दुआ करूँगी कि बस सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, खुशियाँ बनी रहे सबके जीवन में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, ये वही मंदिर है जब मैं शुभी का जो बर्थडे व्लॉग आपने देखा होगा, जिस मंदिर में हम लोग आए हैं वही मंदिर है ये। मैंने उस व्लॉग में कहा भी था कि मैं 1 जनवरी को आप लोगों को लेकर वापस से इस मंदिर में आऊँगी, तो मैं आई हूँ, मैंने अपना वादा निभाया है। देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे, हर साल यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजावट होती है। और मैं जब आई ना तो थोड़ी सी भीड़ कम थी, वरना भीड़ तो ही भगवान, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैंने बड़ी शांति से अपना दीपक वगैरह जलाया, बच्चों को भी तिलक लगाया, खुद को भी लगाया। अभी मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं किए थे, ये बाहर का ही है, जो प्रांगण टाइप होता है ना वो है। मंदिर के अंदर में तो वीडियो शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से पंडित जी से परमिशन लेके मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। उन्होंने मना किया कि आप देवी की मूर्ति की वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मुझे बस डेकोरेशन का वीडियो लेना है, प्लीज़ लेने दीजिए। तो बस मान गए वो, चलो कहा कि चलो ठीक है ले लो, बस डेकोरेशन का लेना। तो मैंने डेकोरेशन का ही लिया, क्योंकि मैं आप सबको दिखाना चाहती थी कि देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सजावट होता है। तो सजावट वाकई में काबिले तारीफ़ रहती है, हर साल की सजावट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कौन लिया है? पापा ना, सुबह मेरे को पानी पूरी खिला रहे हैं, मैं बाबू के लिए खरीदी हूँ। नहीं और मांग रहा है, दे दो कुछ का खाती हूँ। नहीं पापा देखिए
क्या मौसम है, वाह। देखिए गाड़ी में क्या लगा। देखो घर में आते ही खोल लिया है पूरा, दिखा दिखा जरा। इसमें कुछ भी नहीं, खाली है। खाली डब्बा दे दिया है। क्या क्या पहने हो आरुष? चश्मा। अरे बाप रे, चलो चलो अंदर चलो। मुझे भी एक चश्मा देना। तेरा भैया को भी दे दो। ये लीजिए चश्मा। ये वैसे भी ना टूटा वाला है। टूटा वाला है ना, तो यही इसलिए तो मना कर रही थी कि मत लो ये। देखो। वैसे हो जाएगा, टूटेगा नहीं वो। डॉक्टर आ रहे हैं। जी कौन? तो क्या चेकअप करना। जोर से सांसें लीजिए, सांसें जोर से लीजिए। चलो ठीक है, ठीक है तो कत बढ़िया तो टीका फैल। अच्छा टीका है। कैसे कैसे एक बार इस हाथ में दे तो, एक बार इस हाथ में, इस हाथ में। अरे इंजेक्शन कहाँ है तुम्हारे? इंजेक्शन ये सुई में तो है ही नहीं। सुई सुई हाँ, मैं डॉक्टर था बनूंगा। ओके आपको सुई लगा। दर्द नहीं हुआ क्या भाई? दर्द हुआ है। तो बच्चे अपने खिलौनों के साथ ना बहुत ज़्यादा खुश थे, खेल रहे थे आपस में दोनों भाई, और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि दोनों खेल रहे हैं। और मैं यहाँ किचन में आ गई थी रात के डिनर की तैयारी करने, आलू गोभी मटर की सब्जी पूरी और ये आलू का भुजिया थोड़ा सा। तो ये था आज का मेरा डिनर, सिंपल सा, कुछ खास हाई फाई मैंने नहीं किया था न्यू ईयर के दिन। रीज़न ये भी था ना कि मैं तो थी अकेले सारा दिन, आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। थोड़ा शाम को जब मंदिर गई ना, उस वक्त मुझे तब से मुझे जाके थोड़ा सा अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मतलब ऐसा पहला न्यू ईयर हुआ कि बिना बहनों के मैं इस तरह से न्यू ईयर मना रही हूँ अकेले अकेले। अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत मिस कर रही थी मैं अपने बहनों को। हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, आपने देखा ये कोई भी तीज त्यौहार फेस्टिवल या कुछ भी, हम लोग बहुत साथ में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी, हे भगवान पता नहीं क्या हुआ था, इतने छींटे आ रहे थे पता नहीं क्यों, पूड़ी का आटा भी एकदम से गीला हो गया था, मुझसे बन नहीं रही थी पूड़ी। कैमरा वाले बहुत खचड़े हैं रहे। जब भी सुशील जी वीडियो बनाते हैं ना कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि आपको हंसी आनी है, मतलब छींटा पड़ रहा है पता नहीं क्यों, एक पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि छींटे क्यों उड़ रहे हैं। पानी तो था नहीं, मैंने डायरेक्ट तेल के बॉटल से ही तेल डाली थी, और छींटे इतने क्यों आ रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ये कह रहे कि कैमरा मैन की गलती से छींटे आ रहे हैं कुछ भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मेरा बहुत ही छोटा सा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।